बड़ी सआदत ये है कि आज जुमातुल मुबारक का दिन है। तीसरी सआदत ये कि आपने जब से इस इदारे में दाखिला लिया है अक्सर नौ स्पेशल बी कॉम के वो बच्चे जिन्होंने दोबारा से इस इदारे में दाखिला लिया है उनके लिए और पार्ट वन के जो तलबा हैं वो उनके लिए कि उनका नए सिरे से एडमिशन हुआ है तो आपने बेटर तवज्जो किधर रखनी है ताकि ना तो ये कुछ ऐसा है हमारी कोई ऐसा है कि जिस कोई ड्रामे का कुछ सीन है मगर ये है कि जहाँ आपके ईमान और आपके गुरूब और जहन का एक इत्मीनान का तकाजा है वो भी ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब अगर कोई शख्स ये जानना चाहे कि दिलों का इत्मीनान है तो कहाँ है अल्लाह ताला ने फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब खबरदार रहो लोगों दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में ही है। इसके ऊपर बहुत करम है बेशुमार अकवाल हैं आयात हैं और अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम जहाँ इंसान हैं वहाँ इंसान होने के नाते सबसे बड़ी हमारी सआदत ये है कि हम मुसलमान हैं और उससे बड़ी खूबी और बड़ी उससे बड़ी खूबी सबसे बड़ी खूबी कायनात में कि हम फिर नबी आखिर जमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तो ये सबसे बड़ी सआदत है। इसकी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बात आगे लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने इब्तदा में ये कहा कि आज जुमातुल मुबारक है आपके असातिज़ा ऐसे भी हैं कि जो जुमा पढ़ाते हैं और खिताबात करते हैं और इस सिलसिले को वाइंड अप करके जुमातुल मुबारक की तरफ भी जाना है और बहुत शॉर्ट टाइम में इस तकरीब को हमने ख़त्म करना है। फिर इसमें एक ये है कि आज जहाँ पे दीगर खूबियाँ मैंने गिनवाई आज के दिन की तो वहाँ पे एक सिलसिला ये भी है कि आज हमने अपने बच्चों से अपने ही बच्चों का मुकाबला करवाना है और उन बच्चों की सिलेक्शन करनी है। हफ्ता शाने रहमतुल लिल आलमीन मनाया जा रहा है तो इस हफ्ते को मनाने की गर्ज़ो ग़ायत एक ये भी है कि हमारे बच्चों का ईमान बरकरार रहे बल्कि ईमान की कैफियत और ज़्यादा बढ़े नॉलेज बढ़े और इनकी ईमानी कुवत में इजाफा हो और इनकी ज़हनी और जिस्मानी तवानाई में बरकत हो। इस वजह से हमने ये तीन मुकाबले भी रखे हैं जिसमें पहला किरात का मुकाबला है दूसरा नाज शरीफ का मुकाबला है और तीसरा तकरीरी मुकाबला है। जो बच्चे आज यहाँ से मुंतखब होंगे वो कल डिग्री कॉलेज में ज़िलाई मुकाबले में बराह रास्त शिरकत करेंगे यानी हफ्ता शान रहमतल लिल आलमीन। मैंने इब्तिदा में जैसे अर्ज किया कि रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हो गया है तो इसमें जिस तरह से बाकी मामलात हम मनाते हैं तो इसी तरह से हफ्ता रहमतल लिल आलमीन हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है पहले भी हुआ करता है इस साल भी है। सो जो बच्चे यहाँ से मुंतखब होंगे उनको कल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री कॉलेज बड़े कॉलेज में ज़िले सतह के मुकाबले में वो हमारे अपने इदारे की नुमाइंदगी करेंगे और फिर जो उस मुकाबले से जो बच्चे जीतेंगे वो 12 तारीख को अम्बाला मुस्लिम कॉलेज सरगोधा में जाएंगे और जो वहाँ से डिविजनल मुकाबला जीतेंगे वो बच्चे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वहाँ जाएंगे सूबाई मुकाबले के लिए तो जो सूबे से जीतेंगे फिर वो मरकज़ में जाएंगे। आगे भी एक चेन है
जो मक्का और मदीना तक जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मतलब यह है कि इस तकद्दस मआब सिलसिले का आगाज आज से है, अभी से शुरू हुआ जाता है। चूँकि दो दिन पहले हमारे पास वो लेटर आया है, तो पढ़ाई के साथ साथ हमने ये सिलसिला भी कोऑर्डिनेट करना था। जिस तरह से आप हमारे साथ होते हैं, आप देखिए हमारे पास मतलब ये मजबूरी है कि जो मैं आपके सामने उसका इजहार करना चाह रहा हूँ कि मसलन हमारे पास इतने दर्जा फोर नहीं है कि वो कुर्सियाँ लगाएं। आप खुद उठते हैं, कुर्सियाँ लेके आते हैं, कुर्सी लेके चले जाते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि इंसान के साथ सीट जाए और सीट जहाँ इंसान रहे, ये आपकी काबिलियत की दलील है और आपकी अजमत का सबूत है कि सीट आपके साथ है, मुंसलिक है। ये हमारे इदारे का एहसास भी है और एजाज भी है कि जिधर आप जाएं सीट आपके साथ हो। तो इसकी बेशुमार मिसालें हैं। मेरे एमए के पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले के वक्त सीट नहीं थी, दाखिला नहीं हुआ था, स्पेशल सीट प्रिंसिपल साहब तशरीफ लाए हैं। तो जहां आप हैं वहां आपकी सीट आपके साथ रहे और आपकी सीट जिंदगी भर आपके साथ रहे, और जब आप रिटायर हो वो सीट खत्म हो जाए और नए आने वालों के लिए नई सीट क्रिएट हो। बहरहाल ये जिंदगी का सिलसिला है, इस सिलसिले को बरकरार रखने के लिए आपको जागते रहना है। और अभी इस सिलसिले का आगाज मैं करवाना चाह रहा हूँ, फवाद अली शाह साहब को बुलाएं, वो आए ताकि बच्चों की अफवाह के साथ साथ हम।